जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक और स्वागत है आपके अपने चैनल सेक्रेट सोल्जर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा वो कम बैक एवरी वीक टू लिसन लर्न एंड ग्रो विद मी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम उन सभी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में काम आने वाले हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करूंगा जो है तो हम सभी के पास लेकिन हम उसे फुल पोटेंशियल में यूज नहीं करते। अब वो क्या चीज है और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर और जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यार, ये बंदा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, या इस बंदे में काबिलियत तो है पर थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। अब ये कॉन्फिडेंस है क्या, या फिर ये कौन सा मेजरमेंट स्केल है जिसे यूज करके लोग हमें अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट की उपाधि दे देते हैं। चलिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस क्या है ये देखते हैं। कॉन्फिडेंस का हिंदी में सीधा मतलब है आत्मविश्वास, मतलब अपने ऊपर विश्वास होना। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी कॉन्फिडेंस इज अ फीलिंग व्हेन यू हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज एंड इन योर ओपिनियन, मीन्स आपकी वो फीलिंग जिसमें आप अपने ओपिनियंस और अपनी एबिलिटीज पर 100% ट्रस्ट करते हैं। दूसरा मीनिंग भी है व्हेन यू ट्रस्ट समवन और समथिंग, ओके, मींस या किसी आप चीज में या उसकी एबिलिटी में 100% ट्रस्ट करते हैं, तो इसका मतलब आप उस चीज के बारे में या अपने ऊपर या अपने बारे में कॉन्फिडेंट हैं। लोग आपको अंडर कॉन्फिडेंट की उपाधि तब देते हैं जब आप अपनी काबिलियत को पूरी तरह ना पहचान कर उसे डेमोंस्ट्रेट करते हैं, मींस जब आप किसी काम को करने में असमर्थता दिखाते हैं। वहीं लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंट तब बोलते हैं जब आप अपने कॉन्फिडेंस को लोगों के एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा जानते हैं, एंड सम टाइम वी ट्राई टू ब्रैग अबाउट इट ऑल्सो, हम उसके बारे में बातें भी करते हैं कि यस आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन यू, तो लोगों को आप ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं। चलिए सबसे पहले उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले बहुत हाई था लेकिन अब एकदम कम हो गया है? क्या कारण हो सकते हैं कि वो इंसान पहले किसी भी काम को एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से करता था और शानदार तरीके से करता था, लेकिन अब वो किसी भी काम को करने में हिचकिचाता है? बहुत से कारण हो सकते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले अभी मैं बता रहा हूं। सबसे पहला है कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग, मीन्स जब आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और स्पेशली जब हम ओवरथिंक करने लगते हैं तो हम किसी भी इंसिडेंट या इवेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और ट्विस्टेड तरीके से सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ उसमें गलतियां ही देखते हैं या हमें वो कुछ भी उस चीज में खराब ही लगता है जबकि एक्चुअल में इतना खराब होता नहीं है। और ओवरथिंकिंग की वजह से ही हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, एंड ओवरथिंकिंग की वजह से ही हमारे अंडर कॉन्फिडेंस वाले स्टेज की स्टार्ट होती है। सेकेंड इज फीलिंग अनवर्दी एंड सराउंडिंग योरसेल्फ विद नेगेटिव पीपल। किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस ज्यादा कम होना तब शुरू हो जाता है जब वो अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी खुद की वैल्यू को कम आंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वो लोग ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं जो खुद तो नेगेटिव हैं ही दूसरों को भी नेगेटिविटी से भर देते हैं। यार, तुझसे नहीं हुआ यह काम, मैंने किया था, मुझे देख, मैं नहीं कर पाया तो तू कैसे कर लेगा। बच के रहिए ऐसे लोगों से। नाउ थर्ड फैक्टर इज, तीसरा कारण हो सकता है ड्रामेटाइजिंग एवरीथिंग। जब आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी वाली या परेशानी वाली स्क्रिप्ट तैयार कर ही ली है तो भैया ड्रामा तो होगा ही। आपने देखा नहीं है वो डेली सोप में कैसे लोग फालतू की चीजों में ड्रामा क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या असल लाइफ में ऐसा है? इतना ड्रामा है सभी के घरों में? नहीं ना। यही ड्रामा आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा और यही नेगेटिविटी आपके कॉन्फिडेंस को दीमक की तरह खोखला कर देगी। नाउ फोर्थ इज लिविंग इन योर पास्ट एंड सैबोटेजिंग योरसेल्फ। अब जो हो गया सो हो गया, क्या आप और मैं इस चीज को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। हाँ, लेकिन हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर अगली होने वाली गलतियों को सुधार जरूर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो वही पुरानी लकीर पीटनी है और अपने आप को दोषी मानते हुए अपनी सेल्फ वर्थ को कम करके अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को भी इफेक्ट कर लेना है। नाउ फिफ्थ इज कंपेयरिंग विद अदर्स एंड बीइंग अनग्रेटफुल। ये सबसे बड़ा कारण है जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं। ये मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी कहा है
कि सबकी लाइफ अलग है, सबके लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं। आपको नहीं मालूम वो इंसान आज सक्सेसफुल है तो कितने उसने चैलेंजेस देखे होंगे या पार किए होंगे। इसलिए कंपेयर करना बंद कीजिए। और आज हम जो भी हैं या जो भी हमारे पास है, जब हम इसका धन्यवाद अपने भगवान से करना बंद कर देते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस या आपके आत्मविश्वास का पतन होना शुरू हो गया है। कैसा लगता है आपको किसी भी टीम मीटिंग या डिस्कशन में जब आप गए हैं, आपके पास सडनली एक एक्सीलेंट आइडिया आया है दिमाग में, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कैन आई से समथिंग, लेकिन आपके बॉस का रिस्पॉन्स नो यू जस्ट कीप क्वाइट। आप फिर से ट्राई करेंगे बट आई समथिंग टू से, आई हैव एक्सीलेंट आइडिया, लेकिन आपका बॉस क्या बोलेगा? नो डिड यू हियर इट, कीप योर माउथ शट यू डम, चुपचाप बैठ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा अगली किसी भी मीटिंग में जाकर अपने आइडिया को जाहिर करने का या अपने इमोशंस को या अपने सुझाव को रखने का? नहीं ना। यहां वो पांच फैक्टर्स काम करने लगते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की है। लेकिन कैसे आप अपने उस किलर कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हैं या कैसे उसे बिल्डअप कर सकते हैं कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहला तरीका है स्टॉप बिलीविंग एवरीथिंग यू हियर। क्या वो सब कुछ सही है जो आप अपने बारे में सुनते हैं या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे होंगे? नहीं ना। ये तो लोगों की आपके बारे में वो परसेप्शन है जो उन लोगों ने उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपके बारे में बनाई है। एंड बिलीव मी, आप और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। टर्न ऑन योर डेफ ईयर, बिलीव योर सेल्फ एंड मूव अहेड। दूसरा तरीका है ड्रेस योर सेल्फ अप। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, द वे यू ड्रेस द वे यू फील। अगर आप पॉजिटिव नहीं है और आपको यूनिफॉर्म पहना दी जाए तो आपको कैसा लगेगा कि यार अभी जाऊं बॉर्डर पर और दो तीन दुश्मनों को उड़ा दूं? भले आपको ट्रेनिंग नहीं मिली लेकिन कॉन्फिडेंस तो है। यही कॉन्फिडेंस आपको तब मिलता है जब आप एक प्रॉपर अटायर पहन लेते हैं और उसके बाद लोग भी आपको सीरियसली लेने लगते हैं। इस फिनोमेना को हम एनक्लोज कॉग्निशन बोलते हैं। नाउ थर्ड इज कीप लर्निंग एंड शो प्रिपेयर्ड। क्या होता है जब आप किसी एग्जाम या टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं? यू फील कॉन्फिडेंट और आप दूसरों से बेहतर भी परफॉर्म करते हैं। ऐसा ही आपको अपनी जिंदगी में भी करना है। लेकिन यह कोई एक दो दिन में होने वाला चेंज नहीं है, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। आप जो भी करना चाहते हैं, आप आज जो करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी और लगातार सीखते रहना पड़ेगा। एंड वंस दैट इज डन, देन बिलीव मी यू विल बी द स्मार्टेस्ट गाय इन दैट रूम। नाउ फोर्थ इज ट्राई बीइंग योरसेल्फ एंड लेट योर प्रिंसिपल्स गाइड यू। इस दुनिया में एक ही गिरीश कौशिक है, एक ही अनुभव है, एक ही प्रदीप है और एक ही आप भी हैं। अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप एक यूनिक ह्यूमन बीइंग हैं और भगवान ने आपको एक खास पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजा है। और हमारी वो यूनिकनेस खत्म होनी तब शुरू हो जाती है जब हम किसी दूसरे की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं, दूसरे को बहुत ज्यादा फॉलो करने लगते हैं। स्टॉप डूइंग दैट राइट अवे। अपनी काबिलियत को पहचानिए और अगर आपको अपनी काबिलियत नहीं पता तो यही समय उसे पता लगाइए और उसका आंसर आपके अंदर ही है। नाउ फिफ्थ इज स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम सोचते बहुत है यार मेरे मार्क्स कम आए तो क्या होगा, यार मैं अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाया तो क्या होगा, या मैं ये बिजनेस ट्राई करना चाहता हूं लेकिन मैं फेल हो गया तो। अरे भैया जितना टाइम आप ये सोचने में लगा रहे हैं उतना उस काम की तैयारी में लगाइए, रिजल्ट्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, हवाई किले बनाना बंद कीजिए और अपने गोल्स को अचीव करने की तैयारी शुरू कीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ऑडियो पसंद आया है, तो जल्दी से लाइक और शेयर करें। और हाँ, आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया या किस हिस्से के साथ आपने कनेक्ट फील किया, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जाना मत भूलिएगा। और अगर फ्यूचर में भी आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है या आप ये बताना चाहते हैं कि किस पॉइंट को यूज करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहेंगे या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। दिस इज गिरीश कौशिक साइनिंग ऑफ।
जय हिंद, जय भारत।